आगे सुधर पड़ा। मैं उपलिंक और स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम वापस से आ गए हैं वॉलनट टाउन में। काफी दिनों बाद में आए इसलिए काफी मजा करने वाले हैं हम। बहुत सारी चीजें खोलने वाले, यानी कि सबसे पहले तो हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है, अब उसी के पास जाएंगे। जैसे कि तुमने मुझे बताया था कि गोल्डन बॉय है ना, पहले इन बच्चों को मार पीट लूं मैं। हाँ, तो गोल्डन बॉय ना, उससे हमें चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, तो हम वहीं जाने वाले। पर उससे पहले शाउट आउट भी है कुछ, तो पहला शाउट आउट मैं दे दूं, उसके बाद में आखिर की शाउट आउट दूंगा। तो पहला शाउट आउट है हमारा RGHS एहसान को। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने मुझे बोला कि यार आपने लास्ट वाले थंबनेल में भी 34 था, इस वाले थंबनेल में एपिसोड, यानी कि सेम एपिसोड कैसे हो सकता है। तो भाई वो एपिसोड सेम नहीं था, मैंने जान करके वहां पर गलती की थी। तो मैं देख रहा था कि तुम सब मेरी वीडियो ध्यान से देखते हो नहीं, अगर तुम चाहते हो मेरी वीडियो में गलतियां निकालना तो निकालो भाई, तुम्हें शाउट आउट मिलेगा। और आज आखिर में भी शाउट आउट मिलने वाले कुछ, यानी गिने चुने शाउट आउट देने वाला हूं। मैंने रैंडमली उठाए, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, सबको नहीं दे पाऊंगा मैं। तो चलो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये गोल्डन बॉय से बात करनी थी हमें। हेलो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सो यू इन दिस सिटी। भाई हम तो यहीं रह रहे हैं, तू नहीं दिखा था मुझे इतने टाइम से, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो इसने बोला कि भाई तुम हमारे पास के बंदे हो और हमें पता नहीं था, और मैं ना नोप्स, जो नैप्स था ना, तुम पता ना एलियन के बारे में जो मर गया, उसका फैन हूँ, और मुझे ना SP चाहिए उसकी ग्रेव के लिए, यानी कि उसकी जो जहाँ पर उसे गाड़ा था ना, वहाँ पर कुछ मेरे को गिफ्ट रखना है। तो उसके लिए मुझे 343 SP चाहिए और हमारे पास है 284, तो इसलिए हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे SP। तो मैं ना एक काम करता हूँ, SP इकट्ठी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं इसे दूँ और तुम्हें दिखाऊँ कि आगे क्या होना है। तो चलो चलते हैं जल्दी से। तो मैंने तो लगी, पर मैंने SP बहुत सारी इकट्ठी कर ली है और मैं इसे SP देता हूँ, और उसके बाद में हम बाकी का काम भी करने वाले हैं। तो इसे 361 SP देनी है, तो मैंने काफ़ी इकट्ठी कर ली है। वाओ, थैंक यू, नाउ आई कैन बाय प्लेंटी। ओ भाई, टॉयलेट दे के देगा ये दोनों ऑप्स को। वैसे उसे वो पसंद भी था क्योंकि उसने टेस्ट भी किया था ना इसको, तो कोई बात नहीं, हमें भी यार कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा उसके लिए। तो वो हमारा हीरो है एक तरह से देखा जाए, तो उसके लिए हमें गिफ्ट देना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गिफ्ट क्या दे, इसने हमें 20 गोल्ड दिया है, तो गोल्ड का कुछ दूं क्या मैं उसे? गोल्ड वाला टॉयलेट क्यों ना दे दूं, है ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी हमें ना पता क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं ना जाकर वो जो चुड़ैल है ना उसको झाड़ू दिलाने वाला हूँ। तो शाम को चलते हैं और झाड़ू का सारा सामान इकट्ठा करके एक झाड़ू बनाकर जल्दी से दे उस चुड़ैल को। तो चैप्टर 3 तो मैंने स्टार्ट कर लिया यार, जैसे तुम्हें पता ही है कि मैंने भाई देखो झाड़ू नहीं, पहले मेरे को गोल्डन बॉय से मिला था, जैसे कि तुमने बताया था, मैं उससे मिल चुका हूँ। मैंने उसे SP दे दिए और उसने मुझे गोल्ड दिया उसके लिए। और अभी मुझे पता क्या करना है, मेरे को साइड जो मिशन है ना वो पूरे करने हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले चुड़ैल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि चुड़ैल को मुझे झाड़ू देना है, और उसके बाद में हमारा चैप्टर 3 के जो साइड मिशन है ना वो भी कंप्लीट होते रहेंगे साथ साथ में। तो चलो देखो, हमें झाड़ू बनाने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए झाड़ू बनाना है, तो इसके लिए कॉफिन टेबल चाहिए, कॉफिन चाहिए, और ये दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो मुझे ना कॉफिन टेबल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉफिन टेबल यहाँ है, इसके लिए हमें 3 तरह के फूल चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, हम इसे फूल को ले आते हैं जल्दी से। तो मैं जा रहा हूँ अभी फूल लेने के लिए, और साथ के साथ सोच रहा हूँ क्यों ना भाई, सबसे पहले रुको एक मिनट, यहाँ से 3 गोल्ड तो इकट्ठा कर लें, तो हर 5 मिनट में मिलेगा मुझे इसे, और खोपड़ी भी देनी पड़ेगी। तो चलो, हाँ तो मैं बोल रहा था कि मैं फूल लेने जा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं ग्रेव का सामान भी ले लूँगा 2-4, ठीक है, और फिर हमें ना एक झाड़ू बना लेते हैं जल्दी से। तो इसे उठा लो जल्दी से, ठीक है, होगा काम हमारा यहाँ का भी। और ये भाई साहब, भाई अभी मैं यहीं खड़े हुए, तो हमें एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमें ये तीनों ही फूल चाहिए, तो ये मैं तीनों ले लेता हूँ, 10-10 SP के हैं, ठीक है। तो चलो एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, तो ठीक है, तो तीनों ही लेने हमने। तो और साथ के साथ हमें कुछ और भी तो चाहिए था, हमें ये भी चाहिए था कॉफिन, ठीक है, और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और क्या है, ठीक है, एक और कॉफिन टेबल भी तो चाहिए ना हमें, तो एक और कॉफिन भी चाहिए हमें, तो ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक रह गया, ये भी बाय कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने सारा सामान ले लिया है, पहले मैं ये लेके जाने वाला हूँ, इसे रखो, ये उठाओ, ये भी उठाओ, और ये उठा लो, ठीक है, अभी के लिए हमें ये लेके जाना है। तो उसके बाद में जब हमें ना, वैसे तो शाम को गेड़ा मारना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, पहले मैं जाकर ये रख दूँ वहाँ पर, फिर उसके बाद में लेने आता हूँ अपना बचा कुचा सामान भी। तो भाई मैं बचा कुचा सामान लेने आया हूँ, और अब हम सीधा ही मिलेंगे रात को, क्योंकि रात को ही है वो जो था ना जहाँ पर हम बैठ के जाते हैं चुड़ैल के घर में, तो वो मुझे मिलने वाला है, वहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे। तो ये सामान उठा के रख लेते हैं, वैसे भी कॉफिन टेबल मुझे वहीं मिलने वाला है। तो चलो शाम का, रात का वेट करते हैं, रात का 12 बजे का। तो 12 बज गए भाई रात के, और अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, वो चुड़ैल आ गई, रुको रुको रुको, एक मिनट, इसे मार के मैं भाई अपना
शमन तो खोल ले हम, इसे बस एक बार पलटाना है, लास्ट ही चुड़ैल रह गई थी मेरे पास, तो चल भाई भगा दिया मैंने इसे। अब हमारे पास है ना शमन का मिशन है ना, जो वो कंप्लीट हो चुका होगा और अब हम शमन को हायर कर सकते हैं, पता है किस लिए? ये चुड़ैल और भूत को भगाने के लिए भाई। तो ये देखो इसका मिशन पूरा है, एक मिनट रुको, इसे और क्या चाहिए? इसे होली सॉल्ट चाहिए, तो होली सॉल्ट कहाँ मिलेगा यार? ठीक है, तो होली सॉल्ट ला देंगे इसे हम, वो मुझे बाय करना पड़ेगा और रात को 12 बजे ही वो सुपरमार्केट खुलती है जो ब्लैक वाली है। तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए, 1, 2, 3 और एक ये कॉफिन, इसमें चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होली सॉल्ट मिल जाएगा मुझे, मैंने एक्स्ट्रा में रखा हुआ है ना, इसे रखो, ये भी डालो, यही फेंको, चलो ठीक है। तो ये तीनों आएंगे जब तक, और ये देखो होली सॉल्ट यहाँ पड़ा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा हमारा काम। तो लिया भाई कॉफिन टेबल, दे दे, कहाँ है कॉफिन टेबल, कहाँ गया? अबे ओ, इतना छोटा सा कॉफिन टेबल ही है, मुझे लगा बड़ा होगा ये। चलो ठीक है, इसे रख लो, ये भी रख लो, और अब झाड़ू बन जाएगी हमारी इजी तरीके से। काफ़ी टाइम हो गया यार, वैसे मैंने काफ़ी देर से मैंने बनाया भी नहीं झाड़ू झूड़ू को, पहले ही बनाने तो ज़्यादा सही रहता। चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे को साइड मिशन और करने रह गए हैं। तो ये रहा, हमारी झाड़ू भी बन चुकी है भाई, अब तैयार हो चुकी होगी झाड़ू। तो चलो ठीक है, जल्दी से झाड़ू उठाते हैं और जल्दी से उस चुड़ैल को दे आते हैं झाड़ू, तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो अब झाड़ू ही रहेगी ना इससे लेने के लिए। वेलकम टू माय होम लव, भाई मेरे को कुछ सीन चल रहा है यहाँ पर, मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों ये लव लव बोल रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि हमारे दोस्त के साथ में इसका चक्कर चुक्कर तो नहीं आगे जाके। तो ये आ गई झाड़ू, चलो झाड़ू भी ले लिए मैंने, चलो काम आएगी भाई हमारी झाड़ू। और झाड़ू को मैंने रख लिया है, अभी यहाँ चल के पहले ना हम सॉल्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सॉल्ट पड़ा रहता है वैसे तो। तो इसे रखो, तो मैंने काफ़ी सारे सॉल्ट खरीदे थे ना, इसी करके बोल रहा हूँ मैं। तो देखो ये पड़ा हुआ है एक सॉल्ट, चलो ले लेते हैं इसे, और इसे जल्दी से जाकर शमन को देते हैं और शमन फिर हमें देगा। तो एसपी मेरे को चाहिए बहुत सारी, तो इसी करके मेरे को अपनी रेटिंग भी बढ़ाते रहनी पड़ती है यार, हर बार यही काम होता है, क्योंकि जैसे ही ये रेटिंग गिरती है ना हमारी, तो हमारे पास कस्टमर नहीं आते, और हमें अपनी रेटिंग और साइड मिशन सब कुछ करके चलना है। और इस बार थर्ड चैप्टर में क्या होने वाला है वो भी मुझे पता करना है यार, मैंने काफ़ी टाइम से पता करना चाहता था कि थर्ड मिशन, थर्ड यानी चैप्टर में हो क्या रहा भाई। तो चलो ये रख लो, और ये रहा भाई तुम्हारा होली सॉल्ट, रखो इसे फटाफट से, ये ले भाई खा ले, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊँ मुझे क्या चाहिए, ठीक है, तुझे क्या चाहिए जिससे तू भाई हमारे पास में चुड़ैल उड़ैल को रोक पाए। अब इसे क्या चाहिए? थ्रो अ बेट विशिंग वेल, आई वाना वांट विल वट विल हैपन, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसने बोला है कि भाई जो बैट था ना जिससे एलियन को मारा था सीजर ने, वो वाला बैट चाहिए इसे, और वो बैट डालना है हमें इस विशिंग वेल में। तो कोई बात नहीं, हम बैट तो लेके आ ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर मार कटाई तो होने वाली है नहीं कुछ। तो अब मैं नहीं चाहता कि भाई अगर मैं बैट इसके अंदर डाल दूँ और आगे का मेरा जो काम है ना, यानी कि तुम समझ लो कि आगे के जो भी मेरे मिशन है ना उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे हमने इलेक्ट्रिशियन भी हायर नहीं करा, तो मैं इलेक्ट्रिशियन भी हायर करने वाला हूँ आज, तो जैसे तैसे मैं इलेक्ट्रिशियन हायर कर ही लूँगा। तो हमें ये बैट चाहिए, 2, 3, 4, 5 रख लेते हैं, काम ही आएंगे हमारे, हमें कौन सी ज़्यादा दिक्कत पड़ती है इसकी, काफ़ी सारे पड़े रहते हैं वहाँ पर बैट बूट। तो 2 रख लेते हैं, एक मारने के काम आएगा, एक विशिंग वेल में डालने के काम आएगा अपने। तो चलो विशिंग वेल में डाल देते हैं, यहाँ पे ऐसे एसपी उठा लेते जल्दी, चलो ठीक है। तो अच्छा चल रहा है अभी तक, सब कुछ हमने सही करा है, और इसे चाहिए था बैट जो कि मैं डाल दूंगा ठीक है विशिंग वेल में, और नहीं हुआ ना तो वही बैट तेरे सर पे मारूंगा ठीक है। इसके बाद में तूने मेरे साथ में चलना है और मेरी शॉप के वहाँ बैठना है ठीक है ना, ऐसे ना देखियो मुझे, तो मैं बहुत खतरनाक बंदा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसे मैंने डरा धमका दिया है वैसे तो। तो वैसे कल क्या लगता है तुम्हें कि आ जाएगा ना ये? तो चलो ये डाल देते विशिंग वेल में, इसे डालो, इसने बोला कि देखो क्या होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि यार विशिंग वेल वाले को आई डिड नॉट फॉरगेट, क्या मतलब भाई? विशिंग वेल ने बोला है मुझे ये सब कुछ याद है, मैं भूल नहीं सकता। सो मे बी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है शायद से, तो चलो कोई बात नहीं देखते हैं। तो भाई ये बहुत धीरे धीरे चल के आ रहा था, पर फाइनली ये होली सॉल्ट लेके आ चुका है हमारी शॉप के वहाँ। और वो जो पीछे की तरफ देख रहे हो ना तुम इलेक्ट्रिशियन, वो मैंने बुलाया है कि ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारा अभी ख़राब हो गया था ये ठीक है, तो इसी करके उसे मैंने बुला लिया है, और जल्द ही मैं इसे हायर करने वाला हूँ, क्योंकि एक बार मैंने बुलाया, अभी एक और बार जैसे ही ख़राब होगा ना हमारा ये क्या नाम है इंटरनेट वाला, तो इंटरनेट वाला नहीं पावर वाला, तो हमें इसे रख लेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 ही रह गए थे मिशन करने, इसके पूरे 2 के बाद में हमारे पास हायर हो जाएगा ईजिली। तो कोई बात नहीं देख, वेट करते हम। तो सुबह हो गई, और सुबह होते होते भाई ये हमारा इलेक्ट्रिशियन वाला ये वाला काम ख़राब हो गया, और मैंने उसे बुलाया नहीं है, मैं इसे खुद ही ठीक करने वाला हूँ ठीक है। ये लो और इसे लगाओ, और फाइनली हम इसे हायर कर लेंगे अब ठीक है। तो चलो ठीक है,
और फाइनली भाई रिस्टोर हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी और अभी मैं जा रहा हूँ हायर करने, इसे पैसे चाहिए यार। ठीक है कोई बात नहीं, पहले मैं जाकर हायर तो कर लूँ इलेक्ट्रिशियन को, अपने काम आएगा यार अपने वो। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिशियन और अभी इसे क्या चाहिए होगा मैं देख लूँ, क्योंकि हर बार हर बंदे को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ठीक है बाय टूल बॉक्स फॉर मी, कोई बात नहीं हमें टूल बॉक्स चाहिए। टूल बॉक्स बहुत सारे पड़े मेरे पास में, इतने सारे टूल बॉक्स पड़े तो क्या ही बताऊँ। वैसे यहाँ नहीं पड़ा, मेरे को खरीदना पड़ेगा टूल बॉक्स, पता नहीं कहाँ चले गए यार इतने सारे टूल बॉक्स थे। चलो कोई बात नहीं, कम से कम हायर तो कर रहे हैं हम। अरे तुम्हें क्या लग रहा है कि यार और क्या क्या हो सकता है वॉर्नर टाउन में? थर्ड चैप्टर जो हमने शुरू किया है अभी गोल्डन बॉय के साथ में, उसमें आगे क्या क्या होने वाला है तुम मुझे कमेंट मारकर बताओ। जो भी मुझे बताएगा ना उसे मिलेगा शाउट आउट, ठीक है। तो वैसे तुमने काफी उन्हें कंप्लीट कर लिया है थर्ड चैप्टर, तो चलो इसे दे देते हैं। ये ले भाई साहब तुम्हारा इलेक्ट्रिशियन, तो ये लो इलेक्ट्रिशियन हायर हो चुका है और फाइनली हमने इलेक्ट्रिशियन भी हायर कर लिया है। ठीक है तो हम इसे जल्दी से जल्दी भेज देते हैं यहाँ से और ये काम करता रहेगा अपनी शॉप पे, हमारी शॉप पे, ठीक है। तो ये सही रहेगा। अभी मुझे चुड़ैल का काम भी तो करना है ना, क्योंकि चुड़ैल को मैंने देनी है झाड़ू। पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एसपी थोड़ी बहुत इकट्ठी कर लूँ यार यहाँ पर, क्योंकि मुझे एसपी की जरूरत पड़ेगी। थर्ड चैप्टर है शुरू, तो शायद से एसपी की जरूरत पड़े यार, मुझे बहुत ज़्यादा एसपी की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है इसको मैं सैलरी दे देता हूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने सैलरी दे दी है, अब ये काम करते रहेंगे अपना बैठ के। तो ये भाई साहब आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीले हैं ये, बहुत स्लो है यार ये। इससे तेज तो ना जो इलेक्ट्रिशियन है ना, जो इलेक्ट्रिकल यानी कि जो नेट ठीक करता है भाई, वो बंदा बहुत तेज भागता है सही में, वो बंदा बहुत ज़्यादा सही है। ये ढीलों की तरह आता रहता है, देखो अब देखो अब आके खड़ गया है यहाँ पर, पता नहीं क्या करने में लगा हुआ है। इससे अच्छा तो भाई मैं ही कर लेता हूँ अपने आप ही, ठीक है सही में। सही चीज़ है यार, बहुत कम खराब होती है बिजली अब तो, पहले स्टार्टिंग में बहुत खराब होती थी। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी बहुत एसपी इकट्ठी कर लूँ यहाँ पर और उसके बाद में हम चलते चुड़ैल के पास में और उसे झाड़ू दे के आते हैं, क्योंकि उसकी झाड़ू की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है उसे झाड़ू की, इसीलिए। तो उसमें टाइम लगेगा, तो एसपी इकट्ठी करते करते फिर झाड़ू देने जाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रात को ही झाड़ू दी जाए उसे। तो चलो कोई ना रात को मिलते हैं चुड़ैल को और जल्दी से उसे झाड़ू पकड़ाते हैं रात को ही, फिर देखते क्या होता है आगे का मिशन हमारा। तो रात हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ घूमते फिरते यहाँ पर एक डंडा लेके और साथ में एक झाड़ू लेके। तो इसे झाड़ू चाहिए थी, मैंने झाड़ू दे दी, ठीक है। तो झाड़ू इसे मिल चुकी है और अब क्या मांग रही है ये, तो टेलीपोर्टेशन वाला काम कैसे ने मेरे लिए। 15 एसपी में क्या करूँगा यार मैं, कहाँ टेलीपोर्ट होऊंगा, यहाँ तो मैं ऑलरेडी हो सकता हूँ यहीं से झाड़ू टू झाड़ू। अब इसे चाहिए एक गोल्डन खोपड़ी, गोल्डन खोपड़ी में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे को 3 से 4 अलग अलग कलर की खोपड़ी बनानी पड़ेगी, फिर उनको मिक्स करके गोल्डन खोपड़ी बनाऊंगा। तो वैसे टेलीपोर्टेशन वाला काम है ना, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से टेलीपोर्ट होके सीधा ही पता है कहाँ जाऊँगा मैं, अपनी शॉप के पास में। तो ये इसने काम करा नहीं है। वैसे एक चीज़ सही है, किसने टेलीपोर्टेशन वाला जो खोला है ना, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट मारकर मुझे बताओ, ठीक है। और अभी हो गया है टाइम शाउट आउट का, तो चलो चलते हैं और शाउट आउट दे देते हैं सबको एक एक बारी करके। तो तुम बताना बाकी, और जो जो मैंने पूछा है वो तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें भी शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से शाउट आउट देते हैं, और इसे मैंने जल्दी से ठोक दिया है, रास्ते में आ ही रहा था। तो कोई बात नहीं, शाउट आउट देने का टाइम हो गया, तो शाउट आउट देने चलते हैं सीधा ही। भाई दूसरा शाउट आउट है निकिता को, तो इसका बर्थडे था और मैं विश नहीं कर पाया भाई साहब, ठीक है। मैंने सोचा था कि यार वीडियो लेके आऊँगा और वीडियो के थ्रू ही विश करूंगा, पर क्या करें उस दिन वीडियो नहीं डाल पाए। तो कोई बात नहीं, ऐसी बुरी बात मानने वाली इतनी है, इसी करके मैंने शाउट आउट दिया है निकिता को। तीसरा शाउट आउट जाता है लाइव डीपी गेमर को, तो न्यू सब्सक्राइबर, तो शाउट आउट टू यू ब्रदर। और अब चौथा शाउट आउट है वो जाता है राजा गेमर को, भाई मेरी स्ट्रीम नहीं देख पाए, इसी करके मैंने शाउट आउट दिया यार तुम्हें कि तुम मेरी स्ट्रीम नहीं देख पाए, नेक्स्ट टाइम से देखना स्ट्रीम याद से, ठीक है। और लास्ट शाउट आउट जाता है हितेन को, तो शाउट आउट टू यू ब्रदर, न्यू मेंबर हो तो काफ़ी मजा आया यार, तुमने मेरे को लिखा कि भाई तुम न्यू मेंबर हो यार, काफ़ी अच्छा लगता है इसे। तो अगर तुम्हें भी शाउट आउट चाहिए तो इस वाली वीडियो में मैंने क्या गलती की है तुम मुझे कमेंट मारकर बताना भाई, बहुत ही तगड़ी गलती है। तुम अगर सही में मेरी वीडियो ध्यान से देखते हो तो तुम्हें सही में पता चल जाएगा कि क्या गलती है, और इस गलती को जो जो ढूंढेगा उसे मिलेगा शाउट आउट। और प्लस इस गलती को मैं बताऊंगा अभी मैंने के नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने क्या गलती की थी, ठीक है। तो ज़रूर से याद से बता देना, जो भी बताएगा उसे मिलेगा शाउट आउट स्टार्टिंग में ही जैसे मैंने दिया था। और ये वाली वीडियो कैसी लगे कमेंट मारकर बताओ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर भी करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।